बहुत नाराज हो। ऐसी बात ही क्यों करती हो कि गुस्सा है? क्या आपके कामों पे कोई नाराज नहीं हो सकता? बताओ मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हें गुस्सा है? इतनी जरूरत है किसी में? खामोश रहो। वैसे खामोशी भी एक तरह का एहतजाज होता है। और एहतजाज की इजाजत देता नहीं हूं मैं किसी को, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, मगर मैं खामोश नहीं रहने दूंगा तुम्हें। बोलती भी बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी आवाज मेरे दिल के तार छेड़ती है। लफाजी मत करें मेरे सामने। तो दिल की आवाज है। अच्छा छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। आपको जो कहना है आप कहें, मैं सुन रही हूँ। पास नहीं आओगी तो बात कैसे करूंगा? ताबा के सामने आपने मेरी इंसल्ट क्यों की? कम ऑन, इंसल्ट नहीं थी वो। हम अपने मुलाजमीन को नहीं पढ़ाते। क्यों? बहुत सारे मसले हैं, अब मत पढ़ो तुम इस चक्कर में। लेकिन अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके सर नहीं चढ़ेगी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम अपने नौकरों को नहीं पढ़ाते हैं। तुम्हें भी यही कहूंगा, जो उनकी जगह है उनको वहीं रखो। और क्या जगह है उनकी? यही कि तुम्हारी खिदमत करें। हाँ, और मेरे पैर दबाए। हाँ, तो हमारी औरतें यही करती हैं। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी जैसी। तुम्हारे जैसी नहीं है वो, बेगम सरकार हो तुम, मेरी बीवी हो, जानू सैफुर्रहमान की, और वो एक मामूली नौकरानी है, तुम्हारी खिदमत गुजार और बस। तो वो सब बातें क्या थी? वो एजुकेशन सेक्टर के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये तमाम स्कूल जो आपने खोल रखे हैं। बस इस बात का तस्करा अब नहीं होगा। और कितने नकाब चढ़ा रखे हैं आपने इस चेहरे पे? मैं तो आपको गरीबों का हमदर्द समझती थी। जो कहा था वो भी सच था, और जो कुछ तुमसे ये कह रहा हूं ये भी सच है, पर आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होगी।